अभी ड्राइवर साहब मतलब क्या हाल बना दिया बताएं, एक्सल का देख सारा ओवरलोड ने क्या कंटे पर से बैंक तार दे जैसे टायर को बीच वालों को मरोड़ लगा जब वही तिरछा हो गया इतना से जितना बोल रहा है ये क्रैक होगा पहले अब ज्यादा हो गया हौली हौली पता लग जाएगा। अब ऐसे करो एक्सल को उसे ले चल रहे हैं, ये तो गला दिया मैंने सारा इसके बाद अब यार फटाफट परे मार दिए अरे वो बुलेट टूटता ही हुआ है बोल्ट बूट लगाओ कोई है यही कमानी के बोल्ट लगे तो दोस्तों ये है टाटा का 49-23 घोड़ा है दोस्तों और पीछे इसके ट्रॉली है जो दोस्तों उसका हाल देखिए पहले तो आप ये देखिए दोस्तों इसका एक्सल का क्या हाल हो रहा है और ये इसी वजह से हमारे पास आई है गाड़ी तो इसका दोस्तों टूट चुका है एक्सल और एक्सल फ्री वाला आप भी कहोगे फ्री में लगा हुआ है तो सारी राम कहानी आपको बताता हूँ बन रही है इस वीडियो में तो फिलहाल तो ये गाड़ी मैं लगवा रहा हूँ अंदर वर्कशॉप में और दोस्तों ये फ्री का जो एक्सल है वो लगा हुआ है पीछे और पीछे वाला जो एक्सल है जो वो लगा हुआ है फ्री में मतलब कि अभी आप ड्राइवर से ही सुनना क्योंकि मैंने अभी ड्राइवर से भी पूछा मैंने कहा यार ये फ्री एक्सल का कैसे टूट गया तो अभी आप ड्राइवर से सुनना वो बताएंगे आपको हुआ क्या एकदम ये पता कैसे लगा नहीं एकदम कोई झटका पटका तो लगा होगा मतलब चलते चलते एकदम हुआ होगा चलते नहीं हुआ हाँ? तो मैं यहाँ बैक कर रहा था ना ऐसे ही वहाँ कंटे पे से बैक तार नहीं पड़ा गाड़ी अच्छा अभी वो कंटे पे से बैक तार दे जैसे टायर को बीच वालों को मरोड़ लगा जब वही तिरछा हो गया इतना से जितना बोल रहा है ये क्रैक होगा पहले अब ज्यादा हो गया मरोड़े पे ही चल कोई बात नहीं जैक कार पहले से कहां लगा उसके बाद चल ना जैक दे दे मुझे जैक कहां से लगा चल तू पहले ये निकलवाओ ट्रॉली घोड़ा बाहर काट ले हम अपना गेट लगाओगे उसके बाद फिर हम काम स्टार्ट करेंगे जैसे भी तो फिलहाल तो ये टायर मैं खुलवा रहा हूँ दोस्तों और ये सारी जो बात हुई है क्या सीन हुआ इस भाई के साथ तो मैं आपसे भी शेयर करूँगा तो आप बन रही है इस वीडियो में दोस्तों ये फिलहाल तो हम इसका बीच वाला एक्सल और फ्री वाला ये दोनों एक्सल खुलवाएंगे और हुआ क्या मैं बताता हूँ लेकिन बताने से पहले और करने से पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें दबा के और बेल आइकन को दबाना मत भूलें क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम तो ठीक है दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ये देखिए जिसका गुल्ला टूटा हुआ है फ्री एक्सल का ये हमने खोलना भी स्टार्ट कर दिया तो ठीक है दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो पहले तो दोस्तों आप ये एक्सल देखिए जो गुल्ला नीचे से क्रैक हुआ है ये देखिए बिल्कुल वेल्डिंग जहाँ से है वेल्डिंग से ही टूटा है अक्सर ये जो एक्सल हैं टाटा के ये अक्सर टूट जाते हैं और इसको अब हम करेंगे कामयाब तो जैसा भी है अब भाई ने बताया जैसे आपने भी सुना दोस्तों तो मैं भी आपसे शेयर करता हूँ कि क्या बात थी तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि फ्री वाले एक्सल का जो गुल्ला है ये कैसे टूट गया तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई के साथ क्या सीन हुआ तो हुआ यूँ ये गाड़ी यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर थी तो ये गाड़ी लोड थी लोड करके भाई ने जब ये गाड़ी वहाँ से बैक करने लगा जैसे भाई ने बताया कांटे पे से बैक कर रहा होगा तो पीछे से कोई ऊँची जगह होगी तब गाड़ी जब बैक करते हुए टायर इसके घिसते हैं आपको पता होगा जो ट्रेलर चलाते हैं गाड़ी वाले जितने भी हैं जब गाड़ी मुड़ती है ना तो टायर बहुत बुरी तरीके से घिसटते हैं तो ये देखिए पहले आप एक्सल देखिए दोस्तों कितना मुड़ चुका है ऊपर को गुल्ला ये तो दोस्तों जब भाई ने बताया कि टायर एकदम घड़ी से गए तो वो एक्सल बैठ गया एक्सल गया टूट चलो पहले क्रैक होगा एकदम कभी ऐसी चीज़ नहीं होती थोड़ा बहुत पहले क्रैक होगा तो ये भी आगे मैं बताऊंगा आपको वीडियो में कैसे कैसे चेक करना चाहिए कि आपके साथ ये गलती ना हो आपके साथ ये कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो वो भी बताऊंगा तो भाई ने ये जो फ्री वाला एक्सल था वो तो लगवा लिया मेन में और मेन का जो ये एक्सल था ये बीच में एक्सल था दोस्तों जो ये गुल्ला टूटा है तो ये भाई ने करवा दिया आगे क्योंकि 18 चक्की गाड़ी और 22 चेहरे मतलब जो होते हैं ये ट्रेलर होते हैं तो इसमें एक एक्सल फ्री होता है तो वो फ्री एक्सल को इसने बीच में लगवा लिया ड्राइवर ने और जो मेन एक्सल था उसे करवा दिया मतलब फ्री में तो ये अब मेन एक्सल है
तो ये भाई वहाँ सर टांग कर लाया, यहाँ 40-50 किलोमीटर से कोई मिस्त्री को ले गए थे साथ में, तो वहाँ पर इस एक्सल को आगे करा, उसको पीछे किया, तो जिस वजह से फिर उसके बाद गाड़ी खाली हुई। तो चलो ये तो अच्छी बात करी ड्राइवर ने, तो इसको तो फिलहाल हम दोस्तों वेल्डिंग नहीं करेंगे अभी, इसको हम सबसे पहले लेकर चलेंगे अपनी प्रेस के ऊपर, पहले तो इसको मतलब प्रेस किया जाएगा, उसके बाद वेल्डिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रेस पे लेके जाने से पहले इसको हम गलाएंगे। तो अभी आप देखना, देखो दोस्तों अगर ये ठंडी चीज़ है, अब एक तरह से गर्मी तो बहुत है लेकिन एक तरह से लोहा पूरा टूटा हुआ है, सिर्फ 20-30% ऊपर से जुड़ा हुआ है, बाकी पूरा क्रैक है वो गुल्ला। तो फिलहाल तो इसको, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको मिलाएंगे ना प्रेस से, तो ये मतलब पूरा सीधा नहीं होगा, क्योंकि जब हाँ ये चीज़ लोहा टूटता है तो थोड़ा बहुत भर जाता है, लोहा ऐसी चीज़ है। अब ये ऊपर को भर चुका है, अगर हम मिलाएंगे तो ये मिलेगा नहीं पूरा, लेकिन इसमें बैंड रह जाएगा फिर भी, क्योंकि ये चीज़ें हम करते रहते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और इसको मैं क्या करूँगा, मतलब कि ये तवा लगा हुआ था, तो फिलहाल तो मैं तवा खोल रहा हूँ क्योंकि वेल्डिंग चलेगा नहीं, हाथ नहीं चलेगा मेरा, तो इसको तवे को खोल के निकालेंगे बाहर। और इसको दोस्तों साइडों से कम आधी आधी इंची मैं गला दूंगा, जिससे कि हम जब बैंड देंगे प्रेस के ऊपर रख कर, तो फिर ये अच्छी तरह से मिल जाए जितना हमें इसको प्रेस करना है। और दोस्तों ये चलती है ओवरलोड में गाड़ी, ये गाड़ी चलती है लगभग 55-60 टन में, तो 55-60 टन में तो दोस्तों जब बैक करेगा गाड़ी, अगर थोड़ी सी भी मतलब ये क्रैक होता है एक्सल, अंडरलोड होता तो इतना नुकसान होता सही, अब नहीं तो और महीने बाद हो जाता, जो चीज़ टूट चुकी है तो वो टूट ही जाएगी, अब नहीं टूटेगी तो और महीने बाद टूट जाती। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, ये एक तरह से धोखा ही होगा दोस्तों, धोखा ये है कि जब आप ग्रीस वगैरह करवाते हो चक्के, तो आप मिस्त्री को ये कह दिया करो कि भाई जब आप ग्रीस कर रहे हो तो नीचे से गुल्ले वगैरह और डंडा एक्सल वगैरह हमारा चेक कर लो, क्योंकि ये चीज़ दोस्तों नीचे से ही पता लगती है, जब भी आपका एक्सल टूटेगा या गुल्ला टूटेगा हमेशा नीचे से ही क्रैक होगा और नीचे से ही टूटेगा, ये भी नीचे से टूटा है, ऊपर से तो सिर्फ ठिप्पे वगैरह क्रैक होते हैं। ये चीज़ की नॉलेज इसमें इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, क्यों आपके साथ ये ना हो, जितने भी मेरे ट्रक ड्राइवर भाई हैं आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, तो जब भी आप ग्रीस वगैरह कराओ तो इस चीज़ को चेक करवाओ मिस्त्री को, स्पेशल करो आप कि गुल्ला वगैरह एक्सल वगैरह अच्छी तरह मतलब कपड़ा मार के भाई चेक कर लो तेल से धोने के बाद, क्योंकि अगर हल्का मोटा क्रैक होगा तो फिर उसको एमरजेंसी एकदम खुलवाइए आप, खुलवा कर उसको वेल्ड कराएं या जो भी है। तो वैसे तो दोस्तों वैसे इसके नीचे मैंने कहा था कि पत्ती लगा देते हैं, तो लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपका भी खर्चा इतना क्यों करवाना, क्योंकि ये हमारे जानने वालों की है गाड़ी वैसे, तो मैंने कहा इसको मैं वेल्डिंग ऐसा कर दूंगा मिग वेल्ड कि यहाँ से ये टूटेगा नहीं। देखो बाकी तो ऊपर वाला खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए तो चीज़ें तो ओरिजिनल भी टूट जाती हैं, लेकिन हम गारंटी तो देते नहीं, लेकिन ये हम फिर भी कह देते हैं कि आपका यहाँ से वेल्ड नहीं टूटेगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, और ये इसको मैं गला इसलिए रहा हूँ, ये भी आपको बता दिया कि जब हम प्रेस पर इसको गुल्ले को सीधा करेंगे तो वो जो भरा हुआ लोहा है वो मतलब हम इसको काट देंगे साइडों से, दोनों साइड जो मतलब जब भी लोहा टूटता है या मुड़ता है तो दोस्तों वो भर जाता है। अगर हम इसको ऐसे ही मिलाते, ठंडा नहीं, चलो गर्मी है, अब तो जून जुलाई का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी नीचे से टूटने के आसार बढ़ जाते हैं, और वो जब मैं दबाऊंगा आपको तभी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। तो फिलहाल तो इसको मैं साइडों से कम आधी इंची उधर से आधी इंची इधर से इसको मैं टेपर में वेल्डिंग से झाड़ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको मिलाऊंगा तो वो चीज़ बिल्कुल मिल जाएगी और फिर वेल्डिंग करने का मज़ा भी अलग ही आएगा। अब कई क्या करते हैं, कई हमने एक्सल ऐसे देखे हैं दोस्तों कि वेल्डिंग करने के बाद भी एक्सल दोस्तों टूटते हुए मैंने देखे हैं, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, वो क्या करते हैं मिलाया और ऊपर ऐसे ही वेल्ड कर दिया, वो बेकार है। अब वो बेकार दोस्तों यूं है कि ऐसे ही मिला के ऊपर से वेल्ड कर देते हैं, तो गाड़ी वाले क्या सोचते हैं यार इन्होंने तो पैसे भी 500 रुपये लिए या 1000, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि 1000 रुपये इतने पैसे लिए, वाजी वाह मेरा काम बड़ा सस्ता हो गया। कई गाड़ी वाले हर 5 उंगलियाँ दोस्तों बराबर नहीं होती, तो लेकिन वो ये नहीं सोचते कि काम क्वालिटी का हुआ है या नहीं। अभी हम चीज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि मन को तसल्ली होगी जब ही है इनको हम एक्सल करके देंगे। और ये देखिए दोस्तों जो मैंने गलाया साइडों से पूरा टेपर करके गला दिया, क्योंकि जब मैं गुल्ला दबाऊंगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और गर्म भी हो चुका है दोस्तों वेल्डिंग करने के साथ, और गर्म हो चुका है तो उसके टूटने के आसार कम हो जाते हैं।
तो ये हम ले आए हैं प्रेस के ऊपर। तो जो गुल्ला इसका दोस्तों देखिए मुड़ा हुआ है, उसको जो मैंने टेपर में काटा है इसको मिलाएंगे हम पूरा तसल्ली के साथ। देखो दोस्तों, काम करने का मज़ा तभी आता है जब खुद को तसल्ली हो। अब ये नहीं है कि अब कई लोग क्या करते हैं, इसको मिलाया, पता नहीं मिलाएंगे भी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि देखो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टचवुड ऊपर वाले ने सब कुछ मशीनरी वगैरह हमको वर्कशॉप में ही दे रखी हैं, नहीं तो कहीं कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक्सल कोई खोलेगा, ग्रीस कोई करने आएगा और दबने कहीं जाएगा, वेल्डिंग कहीं होने जाएगा, तो वो हमारे यहाँ नहीं है। अगर एक बार गाड़ी अंदर आपकी बढ़ गई तो पूरी कंप्लीट होकर ही निकलेगी, चाहे उसमें एक आधा घंटा फालतू या कम लगे। तो मतलब हमें तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ बिल्कुल कंप्लीट तैयार ना हो जाए। तो अब हम इसको दोस्तों गरम गरम, तो अभी मैं इसको वेल्डिंग से झाड़ के ही आया हूँ तो एक तरह से गर्म ही है, तो इसको दबाएंगे जैसा भी है। तो इसको हल्के से गुल्ले को इधर की साइड करेंगे दोस्तों, यहाँ से इसका सेट नहीं बैठ रहा। तो देखो मैंने थोड़ा सा डंडा परली साइड किया तो क्योंकि उस पर दाब कम आ रही थी। तो एक डर ये भी रहता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि गर्म किया या ना किया, मतलब हमने गलाया नहीं गलाया, तो क्योंकि जब चीज़ भड़ती है टूटती है तो एक डर रहता है कि जब हम इसको मिला रहे हैं तो नीचे से मतलब ऊपर की साइड से क्रैक ना हो जाए, क्योंकि जब हम इसको दबाएंगे तो नीचे की साइड से भी जोड़ हल्का सा इसका खुल गया था, तो हमें ये डर था कि कहीं दो पीस ना हो जाए। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से ये भी था कि गर्म है, दो पीस होंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसको टचवुड बाबा की कृपा से हमने इसको दबा दिया और बिल्कुल सीधा कर दिया। और उसके बाद करेंगे इसको वेल्डिंग। और जो दोस्तों इनका फ्री वाला एक्सल ये पीछे लगवा कर लाए थे, उस एक्सल को भी हमने आगे करना है, और इनका थोड़ा झूले का भी काम है सपोर्ट वगैरह का। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको दोस्तों सारा कुछ समझ आ जाएगा, बन रही है इस वीडियो में। तो इधर फादर साहब ये खुद ही लग गए क्योंकि हम उधर एक्सल का काम कर रहे थे, तो कह रहे मैं खाली बैठा हूँ, मैंने क्या करना, मैंने कहा आप रहन दो, आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल मिला दिया है, जो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बाद में देख लेंगे, नहीं तो बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। और इसके बाद हम दबाने के बाद इसको करेंगे एक बार चेक, भाई ओके हो गया है। तो एक बार ही दोस्तों चेक करने का भी फ़र्ज बैठता है, ये नहीं है कि अब आपने आई है और गुल्ला हमने मिला दिया और वेल्ड कर दिया, फटाफट नीचे लगाओ। देखो चालू काम ना किया है, ना कभी करते थे और ना करेंगे आगे, चाहे उसमें ड्राइवर के दो पैसे फालतू चाहे लग जाएं, कोई भी काम है चाहे कोई वेल्डिंग का है, देखो हम करेंगे काम बिल्कुल ठोक बजा के, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन ऊपर वाले से टचवुड डर के कहते हैं, आज तक अभी कोई बाबा की कृपा से कोई शिकायत नहीं आई और ना ही आए। देखो अगर काम मन लगा के करोगे दोस्तों, सही करोगे, तो लोग भी दुआएं देंगे और आपका भगवान भी आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों वो करने के बाद, गुल्ला बिल्कुल सीधा करने के बाद, और इसको करेंगे अब हम मिग वेल्ड, क्योंकि मिग वेल्ड से ही मुझे अगर पत्ती ना भी लगाऊंगा ना, मैंने वैसे पत्ती के लिए कहा था तो भाई कहने लगा कि आप इसे वेल्ड कर दो, क्योंकि दोस्तों वेल्डिंग से ही ये गुल्ला टूटा है, भी यहाँ पर वेल्डिंग हो रखा होता है गुल्ले का और वहीं से गुल्ला मतलब क्रैक हुआ है ये। तो उधर फादर साहब लगे हुए थे तो मैंने उन्हें कहा आप बैठ जाओ, क्योंकि देखो दोस्तों जो पुराने जो हमारे मतलब एक तरह से स्तंभ कहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही नींव रखी है काम की, सबसे बड़े वही हैं जितने हमारे ताऊ चाचा ही हैं। तो देखो दोस्तों जितने पुराने बंदे हैं ना, जितने भी सीनियर हैं हमारे से, हम फिर भी इतना काम करते हैं लेकिन हमारे से अब भी डबल काम कर लेते हैं, तो ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मतलब कमर करके उनको थोड़ी दिक्कत होती है, बाबा की कृपा से ओके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर भी देखो पुराने बंदे जो होते हैं ना, उनसे बैठा नहीं जाता, ये होता है कि कोई ना कोई काम करते रहें, तो ये चीज़ होती है। तो हम तो फिर भी सोच लेंगे कि सुबह से शाम तक यार आज बहुत काम कर लिया, अब जाके फटाफट कमरे में सो कूलर एसी लगाकर, लेकिन इनको ये होता है कि बड़े आदमियों को जो सीनियर आदमी होते हैं कि फटाफट कोई काम मिले, उसको बैठते हुए भी बंदा कोई काम करता रहे। तो बहुत बहुत मतलब इन्हीं का सिर पे हाथ है, पहले बाबा जी का फिर इनका, उसके बाद देखो इनके अलावा मैं किसी को उस्ताद नहीं मानता। जो कुछ सीखा अपने फादर साहब से ही हमने, गुर लिए हैं जितना भी हमने काम किया है, और जो मेरे हाथ का काम है दोस्तों वो मैं ही करता हूँ। देखो मुझे वेल्डिंग में कैसा भी कोई क्रैक हो, कैसा भी कोई वेल्डिंग हो, वेल्डिंग के हम उस्ताद हैं, चाहे कैसा भी वेल्ड करवा लो हमारे से, मतलब कोई भी चीज़ का वेल्ड हो, ये वेल्ड हो, इलेक्ट्रोड वाला वेल्ड हो, और उस्ताद। तो देखो फादर के बाद मैं अपने आप को उस्ताद इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो छोटी मुँह बड़ी बात, क्योंकि हम जो काम करते हैं तसल्ली के साथ करते हैं, ऊपर वाले का नाम लेकर करते हैं दोस्तों।
तो कोई गलती अगर हो भी जाती है तो भगवान साथ है, वो भगवान पहली बात गलती होने ही नहीं देता। तो ठीक है दोस्तों, बस काम इसका बस गुल्ले का तो मैंने वेल्डिंग कर दिया। और दोस्तों इलेक्ट्रोड का जो वेल्ड होता है, जो हम रॉड वाला वेल्डिंग करते हैं, उसमें टाइम बहुत लगता है। मतलब एक राड बस ख़त्म हो जाती है, फिर उसको मसाले को झाड़ो, फिर उसके बाद वेल्ड करो। अब मिग वेल्ड का तो ये है कि बस घुमाने वाला बंदा चाहिए, ये तो करते चले जाओ, तुम थक जाओगे, मिग वेल्ड थकेगा नहीं। इसमें कोई झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉड नहीं लगानी इसमें, तो बस आप चलाते चले जाओ, चलाते चले जाओ, और आधे घंटे का काम मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। और पावर अलग से सबसे बढ़िया है मतलब इसकी मिग वेल्ड की, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में, और इसको एक्सल को करके इसको यहीं पर छोड़ देंगे, और उसके बाद हम जो आगे पीछे एक्सल करने हैं, भाई ने करवाए थे ड्राइवर साहब ने, तो वो भी इसके करेंगे, क्योंकि इसका एक्सल का फिटिंग का काम बिल्कुल लास्ट में होगा, क्योंकि पहले वहाँ पर उसका झूले का भी है। तो आप बन रही है एंड तक सारी वीडियो देखें, और आपको बिल्कुल एंड तक मज़ा भी आएगा वीडियो देखने में, और आप ही के लिए दोस्तों वीडियोज़ बनाते हैं, तो आपको पता भी लग जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। और दोस्तों अपना डायलॉग तो आज भूल ही गए, तो चलो कोई बात नहीं। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, तान गुरु नानक, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके, आई होप बढ़िया ही होगे, मेरे तरह बढ़िया ही रहना। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने देखिए गुल्ला बिल्कुल तसल्ली के साथ मैंने वेल्ड कर दिया है, पूरे पे ही लेयर मार दी मैंने, खाली ये नहीं कि नीचे, चारों तरफ वेल्ड कर दिया है तसल्ली के साथ। और अब दोस्तों बारी है, जब तक वो एक्सल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका अभी कल को फिट करेंगे, क्योंकि गाड़ी आई है दोस्तों ये 4 बजे शाम को, और इस टाइम लगभग 6 से 6:30 बज रहे हैं, तो मैंने कहा जितना काम है उतना निपटा देते हैं। गुल्ला हमने जो बड़ा काम था वो एक्सल का, वो हमने कर दिया है जो मुड़ा हुआ था, और जो ये एक्सल इन्होंने पीछे किया था फ्री वाला, अब वो वापस हम फ्री वाला एक्सल लगा रहे हैं, क्योंकि वो मेन एक्सल है दोस्तों, और ये चलने वाला नहीं है। चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कोई चीज़ ऐसी है वो जो नहीं है, ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, और इसमें काफ़ी चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसे फ्री में ही लगाना पड़ेगा, और वो हम जो तैयार करके उसे लगाएंगे मेन में। और इन्होंने चलना है 255 से 260 टन में, तो तसल्ली वाला करके देंगे, उतने टन का ही मैंने प्रेस किया था वो डंडा, और जो एक्सल था उसी के हिसाब से मैंने वेल्ड करा है, तो बस इसको करेंगे फ्री में। तो जितना काम आज निपटेगा आज, बाकी कल को निपटाएंगे, कल बस दोपहर तक इन गाड़ी का काम हम निपटा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो करिए एंजॉय। तो कुछ इतना, जब तक दोस्तों इसका फिटिंग का काम होता है तो आप भाई ये देखते रहें वीडियो, और कुछ मुझे कमेंट्स आए थे तो उनका भी मैं आंसर दे देता हूँ इस वीडियो में ही। तो दोस्तों आज मैंने एक शॉट डाली थी जो भारत बेंच की मैंने डाली थी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, वो भारत बेंच का दोस्तों नक्का कटा हुआ था, तो राजू कुमार जी हैं अपने सब्सक्राइबर ही हैं, तो वो मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप इतने इंटेलिजेंट हो, उन्होंने मुझे स्पेशल कमेंट किया है कि दोस्तों, मतलब मुझे कह रहे थे कि पाजी आप इसको खोल कर और वेल्ड करके बना दीजिए, और उसके बाद वो बढ़िया चलेगा। तो राजू कुमार जी देखो, पहली बात तो ये कोई भी चीज़, हम जो ये नक्के हैं ये देगचून और लोहा मिक्स होते हैं, तो अगर आप इसमें वेल्ड करोगे, मैं कह रहा हूँ कि साइज़ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी उस चीज़ की नॉलेज है, हम कर देंगे। पहली बात तो हमारे पे इतना टाइम ही नहीं होता कि उसको खोलेंगे और उसमें 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और अगला हमें 200, 300 रुपये, 500 रुपये हम ले भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी ओरिजिनल नक्के की होती है वो नहीं मिल सकती, कितना भी कोशिश कर लो। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना, तो वो चीज़ नहीं मिलती। तो राजू कुमार जी, इस चीज़ की नॉलेज हमें भी है, लेकिन चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज करने के लिए। तो दोस्तों ये कमानी हम अब नीचे उतारेंगे, वो किस लिए उतारेंगे, और वो हमने एक्सल कर दिया आगे फिट, और ये कमानी हमने नीचे घेर दी है, और ये झूले का, इसमें दोस्तों जो सपोर्टें होती हैं जिस पे कमानी रुकती है, कमानी का लोड आता है जिस पे साइडों की, झूले पे सपोर्टें वो छोटी हो रखी हैं और टूटी हुई हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये बोल्ट जाम था, मैंने कहा काट दे इसको, नया डाल देंगे। और ये झूला हमने उतार लिया है, और ये अब गिरेगा नीचे, 1 2 3 ये आ गया नीचे। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7:15, तो
तो मैंने कहा जितना खुलता है खोल लो, बाकी करेंगे कल को फिटिंग। जैसा भी ये देखिए दोस्तों, सपोर्टें इसकी काफ़ी टूटी हुई हैं और पीछे बहुत हो रखी हैं, घिस घिस के लोहा छोटा हो चुका है। जैसे भी है आप देख रहे हैं। तो दोस्तों काम बिल्कुल हमने जितना खोलना था, अब है जाने की तैयारी। मतलब एक्सल भी हमने कर दिया है आगे और ये झूला भी खोल लिया। अब हम आपसे मिलेंगे कल को नेक्स्ट डे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह आपसे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम आ गए हैं मतलब अपनी वर्कशॉप पे। ये देखिए हमने जो एक्सल बिल्कुल तसल्ली के साथ करके प्रेस करके वेल्डिंग करके बिल्कुल तैयार करके रखे गए थे, जो कल आपको हमने वीडियो में दिखाया था। और इधर जो हमारा काम बिल्कुल, जो हम एक साइड का झूला उतार के गए थे और सारा काम अब करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमने प्लेट लगानी है, वो प्लेट पे निशान लगा दिया है और इसको कटिंग करेंगे बिल्कुल तसल्ली के साथ, ब्लेड के साथ, अपनी हाइड्रोलिक प्रेस के साथ। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये हाइड्रोलिक प्रेस बहुत कम मिस्त्रियों के पास है, ठीक है, हैं लेकिन गिने चुने मिस्त्रियों के पास, लेकिन इसका लुत्फ वही उठा सकता है जिनके पास ये है। बहुत मतलब टाइम की बचत होती है। तो ये दोस्तों देखिए, इसमें बिल्कुल तसल्ली के साथ इसको ऐसे, ये होती हैं कमानी की सपोर्टें और इसको हल्का सा मैंने बैंड दे दिया था और इसको रख के अब हम करेंगे इसमें मिग वेल्ड। और ये जो पत्ती है वो दूसरी साइड की है, तो दोनों साइड की घिस चुकी थी दोस्तों, छोटी हो गई थी और पतली भी हो गई थी। तो मैंने कहा इसमें नीचे लगा देंगे। तो ड्राइवर साहब कह रहे थे जो सर आपको करना है, तो ड्राइवर ऐसे होने चाहिए दोस्तों कि कह रहे थे पाजी जो चीज़ इसमें होने वाली है कर दो। तो मैं उनको बताता गया, मैं कहा ये होने वाली है, वो कह रहे ये भी करो, जो होना है कर दो बस। तो दोस्तों ये सपोर्टें मुझे दिखी थी, मैंने कहा बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, अब नहीं तो और एक से डेढ़ महीने बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ये ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा इसको लगा ही देते हैं। वो कह रहे हैं आप खोलिए और लगाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं होती दोस्तों। तो जब भी आपको ड्राइवर साहब कोई दिक्कत परेशानी लगती है अपनी गाड़ी में, आपकी गाड़ी में, तो मिस्त्रियों को बताएँ आप। और ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल घिसी हुई थी जो प्लेट थी पुरानी। तो जब भी आपको कोई परेशानी लगती है तो मिस्त्री को कहें कि ये भी चीज़ चेक करिए आप, सारी चीज़ नीचे बढ़ के चेक करें आप। क्योंकि जहाँ भी आपको कभी भी अपने दिमाग से अगर कोई चीज़ आपको पता है, फिर तो आप ज़रूर दिमाग दें, क्योंकि मिस्त्रियों के दिमाग 10 गुना तेज ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो गाड़ी वालों के भी दिमाग बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, मिस्त्रियों के साथ रह रह के सब मतलब हाई स्टैंडर्ड का दिमाग होता जा रहा है। तो किसी को बुरा मत लगे मेरी बात का, देखो सब अपने भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन मैं ये बता रहा था कि अगर आपको नॉलेज है तो आप मिस्त्रियों को बताएं कि सर आप ये भी देख लीजिए और वो भी देखिए, बाकी तो मिस्त्री अपने आप देख ही लेते हैं सब कुछ। कुछ आपका बताना फ़र्ज है, आपका बताना फ़र्ज है, और कुछ मिस्त्री खुद ही बता देते हैं कि ये चीज़ चल रही है तो ये चीज़ ख़राब हो सकती है, आप चेक करवाएँ। तो हमारी वर्कशॉप में तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है, तो मैं और किसी का तो मैं कहता नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप कहोगे कि ये चीज़ चेक कर लीजिए तो हम वो चीज़ चेक करेंगे, उसके अलावा भी 10 चीज़ चेक करके बता देंगे। तो दोस्तों हमने झूला वो कर दिया, देखिए आपने फ़िट, और कमानी ऊपर टांगेंगे, उसके बाद जो एक्सल था हमारा उस एक्सल को करेंगे फिटिंग। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों एक्सल को उतार के बस अब हम करेंगे फिटिंग। वैसे एक बात है दोस्तों, अब ये 50 से 60 टन में गाड़ी चलाते हैं, तो देखो कहीं ना कहीं ये भी बहुत मायने रखता है कि ये गाड़ी ओवरलोड चलती है, तो एक्सल कहीं ना कहीं टूटना ही टूटना है। अंडरलोड में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन देखो 50-60 टन भरोगे तो टूटेगा ये एक्सल, और क्या होगा।
तो दोस्तों लगभग लगभग कंप्लीट हमने बिल्कुल कर दिया है, थोड़ा बहुत काम इसका बाकी है तो आपको पता लग जाएगा, बन रही है इस वीडियो में। और दोस्तों अभी आप टायर भी देखना, अभी ड्राइवर साहब टायर लगाएंगे और वो टायर का मुझे बिल्कुल काम सारा करने के बाद भाई ने बताया कि मेरा 25 से 26 हज़ार का नुकसान होते होते बच गया, क्योंकि गुल्ला दोस्तों इतना मुड़ गया था, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा जो मैंने सीधा किया और वेल्ड किया है। दोस्तों जब एक्सल टूटा होगा तो टायर पे तो सीधी सी बात, जाहिर सी बात है, वो बोल्टों पे लगा होगा और बस बची गया इनका, अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए। वैसे टायर भी नया ही है, अरे वो गुल्ला टूटता ही हुआ है, बोल्ट वोल्ट लगाओ कोई है, यही कंपनी के बोल्ट लगे, हाँ तभी उन पे निशान आ रहा था, रिम पे भी था। हाँ यही तो हुई बात है, चलो रिम की तो कोई इतनी बात नहीं है, रिम तो सारा कोई दे, टायर भारी पड़ जा, रिम 2-4 हज़ार का, ये सारा 20-25 हज़ार का जुगाड़, चल लगा फिर। 52 का जोड़ा है, कितने का? 52 हज़ार का जोड़ा। हाँ तो फिर थोड़ा होगा, 25-26 हज़ार तो बहुत बैठे आराम से, टामी बड़ी नीचे ध्यान से। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि भाई का 25 से 26 हज़ार, क्योंकि 52 हज़ार रुपये का जोड़ा है, MRF का सबसे टॉप टायर है, मैं यही सलाह देता हूं जितने भी मेरे पास गाड़ी वाले आते हैं कि आप कोई गुड्डी का, कोई कंपनी का ना लगाएं, MRF के ये वाली गुड्डी जो मैंने अभी टायर दिखाया भाई ने, ये गुड्डी का टायर फालतू नहीं खाता, टायर बहुत बढ़िया, आप ये लगाएं। और दोस्तों एक पीछे की भी सपोर्ट इसमें थोड़ी ख़राब थी, तो वो भाई कह रहा है ये किसी अनपढ़ ने काम कर रखे थे, मतलब जहाँ से कटी है वहाँ नहीं वेल्ड करा किसी ने, उसके ऊपर वेल्ड कर दिया, तो वो भाई कह रहा था कि इसमें लोड ही नहीं आ रहा, मतलब कमानियाँ लगती नहीं थी, तो मैंने जहाँ से कटा हुआ था वहाँ पर पीस लगाया उसमें, जैसे हमने झूले में लगाए थे, तो इसको करके वेल्डिंग और उसके बाद इसके लगवाएंगे टायर, हल्की सी सपोर्ट परले झूले की भी है, तो आप बन रही है सारी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए किसी ने ऊपर पट्टा रख कर वेल्ड करा हुआ था, बताओ पट्टा रखना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, बताओ कच्चे लोहे के बीच में आपने पटा रख दिया, वो भी इतना सख्त पटा कभी नहीं रखना चाहिए दोस्तों, पत्तियां लगाओ, प्लेट लगाओ, जो मर्जी करो। और ये दूसरी साइड का है दोस्तों, इसमें भी हल्का सा पीस की थी, मैंने कहा इसमें भी लग देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।